आप सबको जय यीशु। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, शांत हो जाएं, अपने ध्यान केंद्रित करें। प्रभु ने हमें यह सुंदर अवसर दिया है, इसका उचित लाभ उठाएं। समर्पित करें अपना सर्वस्व, प्रभु को धन्यवाद दें। ये मत भूलिए कि हम अनंत जीवन के यात्री हैं, हमें अनंत जीवन चाहिए। इसके लिए हमें पवित्रता में जीना होगा, पहले से तैयार होकर के रहना होगा। प्रभु बार बार इस बात को कहते हैं कि तुम तैयार रहोगे, हमेशा तैयार रहोगे, अपनी कमर कसी रहेगी। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम पूर्ण रूप से तैयार रहें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें। आइए हम अपने प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति उसकी महिमा में गीत गाएं। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, जाते हैं हम ऐसा देश, जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे, भूखे न होंगे वहाँ, प्यासे लबों के न होंगे, उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा, उसकी प्रशंसा मैं करूँगा, जीवन संवर जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। खुशियाँ ये बाकी जहाँ की एक दिन तमाम होगी, खुशियाँ ये बाकी जहाँ की एक दिन तमाम होगी, जिसकी नजर है यीशु मसीह पे वो उसके संग जाएगा, जिसकी नजर है यीशु मसीह पे वो उसके संग जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा, अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। जाते हैं हम ऐसा देश, जाते हैं हम ऐसा देश, सब कुछ बदल जाएगा। अश्कों में डूबा ये जीवन खुशियों से भर जाएगा,
खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। हालेलुया 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 महिमा 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 आराधना 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 स्तुति आराधना महिमा महिमा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो तेरी आराधना तेरी जय हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद महिमा 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 आराधना आराधना सर्वशक्तिमान पिता की आराधना पवित्र आत्मा ईश्वर की आराधना 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 प्रभु यीशु की आराधना हो मुक्तिदाता यीशु की आराधना 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 धन्यवाद 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 हालेलुया 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 प्रभु प्रभु मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ मेरे ईश्वर मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ मुझे निराश न कर मेरे शत्रु मुझ पर हावी न होने पाए जो मुझ पर भरोसा रखते हैं जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं प्रभु प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे मुझे अपने पथ की शिक्षा प्रदान कर मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल मुझे शिक्षा देने की कृपा कर क्योंकि तू ही वह ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ प्रभु प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्याएं 18 से 27 तक। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे, पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया, दूसरा उसकी विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गया, तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य? क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो
पुरुष विवाह करते और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं? वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की जय हो, यीशु की जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसे मरना है, वह मरेगा। लेकिन मृत्यु के बाद क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? किस प्रकार का जीवन है? कैसा है वह? सवाल करते हैं सदूकी लोग, जिन्हें पुनरुत्थान में विश्वास नहीं था, जिनको जो ये विश्वास नहीं करते कि जो मनुष्य मर जाता है वह फिर पुनर्जीवित हो जाएगा, उन्हें इस बात पर कोई विश्वास नहीं। वे सोचते थे कि जो मर गया वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया, अब क्या? लेकिन यीशु कहते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्या कहते हैं यीशु? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, अर्थात पुनरुत्थान होता है और यह सत्य है। जब यीशु पुनर्जीवित हो गए थे तब यह बात साबित हो गई कि यीशु पुनरुत्थान है और पुनरुत्थान होता है। लेकिन पुनरुत्थान के बाद क्या होता है? पुनरुत्थान के बाद क्या होता है? मान लीजिए कि हमारे परिवार में से किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? अगर उसका पुनरुत्थान हुआ तो क्या होगा? यदि वह स्वर्ग में गया तो क्या होगा? अगर मान लीजिए पति पत्नी दोनों मर गए, स्वर्ग में गए, तो वह कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसा उनका रिश्ता होगा, किस प्रकार का उनका संबंध होगा, इत्यादि इत्यादि। कई लोग भ्रम में हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोगों का भ्रम भारी भ्रम है। प्रभु यीशु कहते हैं, लास्ट में अभी हमने पढ़ा अंत का वाक्य, यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। प्रभु कहते हैं कि वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। पहली बात कि पुनरुत्थान होता है। और जब हम देखते हैं, बाइबल हमें ये बताती है, प्रभु यीशु इस बात को बड़ी बढ़िया से समझाते हैं। ये लोग सवाल लेकर के आते हैं प्रभु के पास, उनको भ्रमित करने के लिए, उनको उलझाने के लिए, प्रभु को उलझाने के लिए सवाल लेकर के आते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि गुरुवर ये बताइए, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। और ऐसा हुआ कि 7 भाई थे और पहले ने विवाह किया उसे और वह मर गया, निसंतान मर गया। फिर नियम के अनुसार दूसरे भाई की उससे शादी हुई और उसके बाद वह भी निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वैसा ही हुआ। इस प्रकार 7 भाई
निसंतान ही मर गए। अब हमें ये बताइए कि जब पुनरुत्थान होगा तो वह किसकी पत्नी कहलाएगी? वह तो सातों की पत्नी रह चुकी है, किसकी पत्नी कहलाएगी? सवाल है ना, वाजिब सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है। लेकिन यह सवाल इस संसार में रहते समय वाजिब है, इस संसार के लिए है यह सवाल, पुनरुत्थान के बाद का यह सवाल नहीं है। इसी बात को हमें समझना है। हम इस संसार की बातें सोचते हैं और संसार में ही रह जाते हैं और इसी से जीवन यापन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि संसार का जीवन संसार के जीवन की तरह वह जीवन नहीं है, वह दूसरे तरीके का जीवन है। यीशु क्या कहते हैं? कहते हैं कि कहीं तुम लोग इसलिए तो ब्रह्म में नहीं पड़े हुए हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो न ईश्वर का सामर्थ्य, तुम क्या बात करते हो? ईश्वर के सामर्थ्य को तुम अभी तक नहीं जानते। ईश्वर के लिए क्या असंभव है बताओ? आप अगर सोचिए, ऐसे ही हम संसारिकता में अगर हम इस संसार में सोचें तो जो ईश्वर सब कुछ कर सकता है, क्या उन सातों भाइयों के लिए सात पत्नियां नहीं दे सकता है? उसी तरह की, उसी प्रकार, उसी एकदम उसी का कॉपी नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, उसके लिए क्या असंभव है? इसीलिए यीशु कहते हैं तुम ईश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते और ना ही तुम धर्म ग्रंथ जानते हो। धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? प्रभु कहते हैं क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठते हैं तब न तो पुरुष विवाह करते न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। समझ में आया? मैं समझता हूं कि हमारे अंदर भी यह ब्रह्म है। मेरे माता पिता स्वर्ग में होंगे तो दोनों एक साथ होकर के प्रार्थना कर रहे होंगे और हमारे लिए आशीर्वाद दे रहे होंगे। वहां भी उनका उसी तरह का पति पत्नी का संबंध होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, प्रभु कहते हैं। यीशु कह रहे हैं कि वे न तो पुरुष होंगे ना स्त्री, वे ना तो पति पत्नी होंगे ना कुछ, बल्कि वे स्वर्गदूतों की तरह होंगे। ये बात हमें समझनी चाहिए, समझना होगा। स्वर्ग राज के भेद को प्रभु कई बार खोलते हैं। अनंत जीवन किस प्रकार का होगा हमें इसको जानना होगा। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उसके लिए हम आगे कब बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें धर्म ग्रंथ, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम धर्म ग्रंथ नहीं जानते, तुम पवित्र वचन नहीं जानते, पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे पास तो बाइबल है, घर में है, लेकिन तुम उसको पढ़ते नहीं हो, तुम जानते नहीं हो। इसलिए तुम अनंत जीवन के लिए ललायित नहीं हो। तुम जो जीवन जी रहे हो इसी को सब कुछ समझ करके जी रहे हो और भ्रम में पड़े हुए हो, अंधकार में चल रहे हो। तुम कहां जा रहे हो तुम्हें पता नहीं। जान बूझ करके, देख करके चलो, ज्योति में चलो। यह प्रभु कहना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझना चाहिए। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जहां तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में, झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि स्वर्गदूत ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। हम गीत गाते हैं ना, प्रभु हमारा जीवित है, सर्वशक्तिमान है। प्रभु कहते हैं कि वह मृतकों का नहीं जीवितों का ईश्वर है। अर्थात मैं ईश्वर हूं, किसका? इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का। वे तो कभी मर गए,
कब की बात, कई हजारों साल पहले की बात है। लेकिन प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि वह जीवितों का ईश्वर है, अर्थात मूसा, इब्राहिम, याकूब, इब्राहिम, इसहाक और याकूब अभी तक जीवित हैं, अनंत जीवन में प्रवेश किए हुए हैं। जब यीशु झाड़ी में मूसा को दर्शन देते हैं, क्षमा कीजिएगा, जब पिता ईश्वर मूसा को झाड़ी में दर्शन देते हैं तो प्रभु कहते हैं कि मेरी, प्रभु भेजते हैं मूसा को कि जाओ मेरी प्रजा को तुम छुड़ा के लाओगे। तो वह प्रश्न करता है, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु कहते हैं कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जीवित है, आज भी जिंदा है और वो हमें भी सदा के लिए जीवित रखना चाह रहा है। पौलुस कहता है हम मरेंगे नहीं, हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। समझ में आया? इसलिए तो यीशु आए हैं, मरने देने के लिए यीशु आए? बिल्कुल भी नहीं। हमें सदा के लिए जीवित रखने के लिए आए हैं, इसलिए हमें अनंत जीवन की राह पे चलनी चाहिए, ज्योति में चलनी चाहिए, अंधेरे में नहीं, स्वर्ग राज के भेद को जान करके। जो भेद प्रभु ने बताए हैं उन भेदों को, इतना काफी है, मुझे लगता है कि स्वर्ग राज में जाने के लिए इतना काफी है जितना यीशु ने बताया, उससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें स्वर्ग राज में जाने के योग्य अपने आप को बनाना है इसी संसार में। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू मुझे अनंत जीवन देता है। इन सुंदर वचनों के लिए, इन सुंदर आशीषों के लिए धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। पुनरुत्थान और जीवन तू है, तू ही जीवन दे सकता है। पुनरुत्थान और जीवन तू है, तू ही जीवन दे सकता है। क्योंकि तू ही जीवन सोता, तू ही अल्फा और ओमेगा, यीशु।